हेलो दोस्तों, प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं बिहार टेट के ऊपर आपसे कुछ बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार टेट की संभावित एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है, जो कि उम्मीद है कि वो 7 नवंबर को लिए जाएंगे। बिहार टेट के ऊपर प्रभात प्रकाशन ने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अब विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बुक है, वो है बी टेट की पेपर 1 की किताब, जो क्लास 1-5 के लिए है। इसके अंदर जो प्रमुख विषय हैं, वो विषय हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधि, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा 1, जिसको भाषा 1 में आप चाहे हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए। उसके बाद है भाषा 2, जिसमें हिंदी है। इसके अंदर बाल विकास और शिक्षा विधि के अंदर 30 प्रश्न होंगे, गणित में भी 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण अध्ययन में भी 30 प्रश्न होंगे, और भाषा 1 में, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हैं, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। भाषा 2 इसमें हिंदी है, इसके अंदर भी 30 प्रश्न होंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न पेपर 1 के अंदर आएंगे। और ये जो बुक है, इसके अंदर पूरी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। हमने इसके अंदर सॉल्व पेपर भी दिया है, और इस बुक का जो मूल्य है, मूल्य भी बहुत कम है, 395। इसके अंदर जो प्रमुख विषय जो हैं, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर जो प्रमुख विषय होंगे, आप बात करें बाल विकास के अंदर हमने इसमें बात किया है आपका बाल विकास के ऊपर। फिर है बुद्धि, समावेशी शिक्षा, सामाजिक विकास, लैंगिक भेद, शिक्षण के गुण एवं भूमिका, भारतीय शिक्षा का इतिहास, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बाल विकास के लिए। भारतीय शिक्षा के इतिहास के ऊपर हमने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी है। उसके बाद प्रश्नमाला, इसके अंत में जब बाल विकास आपका पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, तो हमने कई प्रैक्टिस आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे ही हिंदी भाषा के अंदर ध्वनि है, संज्ञा है, क्रिया है, लिंग है, वचन है, वाक्य संरचना है, इसको हमने इसके अंदर हमने प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हमने टेंसेस के ऊपर टेंसेस बताए हैं। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट है, वन वर्ड के ऊपर बारे में बताया गया है। उसके बाद आ गया इंग्लिश लिटरेचर पे हमने विशेष ध्यान दिया है। गणित के अंदर संख्या पद्धति है, औसत है, प्रतिशत है, काम और समय के ऊपर हमने बताया है, बीज गणित है। जितना भी सिलेबस कवर होता है बीटेट का, वो इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेगा। ऐसी पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया 30 प्रश्न आते हैं, तो उसके अंदर है पर्यावरण की अवधारणा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल। मैं आपको कुछ ही टॉपिक बता रहा हूँ, जब हमारी आप पूरी बुक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, बहुत कुछ दिया है हमने पर्यावरण के अंदर। आप जब देखेंगे, काफ़ी कुछ हमने पूरा कवर किया है पर्यावरण अध्ययन को। साथ साथ इसके अंदर जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हमने सॉल्व पेपर 2011 को भी इसमें प्रस्तुत किया है, जिससे आपको पता चल सकता है कि पेपर कैसे आएंगे। गाइड के साथ साथ हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, वो है इसका प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट है। उसके साथ साथ इसके आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने हल की प्रस्तुत किया है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा खासियत इस बुक की क्या है, कि हमने सारी सब प्रश्नों की व्याख्याएं दी हैं, व्याख्याएं पूरी, जितने भी प्रश्न हैं उनकी पूरी व्याख्याएं दी गई हैं। 15 प्रैक्टिस सेट का मतलब हो गया कि 15 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, 15 बार प्रैक्टिस, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने 7 नवंबर को जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 15 बार तो प्रैक्टिस कर ही ली है, तो आपका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसका प्राइस भी दोस्तों ₹225 है इसका प्राइस। उसके बाद है अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है पेपर 2 के लिए, कक्षा 2 के लिए है, वो है गणित विज्ञान। गणित विज्ञान के अंदर भी प्रैक्टिस सेट हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हैं, सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, और इसकी गाइड भी है दोस्तों, गाइड भी है, गणित एवं विज्ञान की पूरी गाइड है। इसका प्राइस भी दोस्तों ₹395 है। उसके बाद है दोस्तों सामाजिक अध्ययन और सामाजिक ज्ञान, पेपर 2 के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, इसका प्राइस भी दोस्तों ₹395 है। ये पूरी गाइड है, इसके साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी 15 प्रैक्टिस सेट हैं, सॉल्व पेपर भी दिया गया है, प्राइस सिर्फ ₹225। ये सारी किताबें आपको अमेज़ॉन पे, सारी पुस्तक विक्रेताओं पे, बिहार के हर एक जगह, जिलों में, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकती हैं।
दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन किताबों के साथ हमारे पास टोटल 5 ऐसी किताबें भी हैं जो इसकी सप्लीमेंट हैं। वो है वस्तुनिष्ठ सामाजिक अध्ययन, जिसके अंदर जो सीटेट के लिए भी यूजफुल है आपके लिए। अब जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर में सीटेट भी होने वाला है, आप लोग सीटेट भी दे रहे होंगे, तो ये सारी किताबें आप सीटेट के लिए भी पढ़ सकते हैं। सामाजिक अध्ययन, इसके अंदर टोटल 20 शॉर्ट पेपर दिए गए हैं, जिसमें बीटेट का भी हमने शामिल किया है, और 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वस्तुनिष्ठ सामाजिक अध्ययन। उसके बाद है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ये भी सप्लीमेंट में, ये भी आपकी बीटेट के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इसके अंदर 18 सॉल्व पेपर दिए गए हैं सारे राज्यों के, साथ साथ 40 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। बीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। उसके साथ दोस्तों ये है वस्तुनिष्ठ बाल विकास, इसके अंदर वस्तुनिष्ठ बाल विकास, जैसे आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन आते हैं इसके अध्ययन से, आप बाल विकास चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, इसमें परिणाम आपके बहुत अच्छे आएंगे और आपको जरूर इसमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे पास है हिंदी, इसके बाद हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ। आप देख सकते हैं कि प्रभात प्रकाशन ने बीटेट और सीटेट के ऊपर कितनी किताबें प्रकाशित की हैं। इसके अध्ययन के बाद आप हमेशा, आपको अच्छे परिणाम ही आएंगे, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। आप इस किताब का जरूर अध्ययन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हिंदी भाषा। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी भाषा के अंदर भी 45 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 40 शॉर्ट पेपर दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंदर भी हमने इसके अंदर 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि बीटेट के लिए भी यूज़फुल हैं और सीटेट के लिए भी यूज़फुल हैं, और 22 शॉर्ट पेपर दिए गए। ये 22 शॉर्ट पेपर के अंदर सारे स्टेट के लिए हमने, इसके जितने भी स्टेट होते हैं, चाहे यूपी टेट हो गया, बीटेट हो गया, रीट हो गया, हरियाणा का हो गया, उसके जितने भी शॉर्ट पेपर हमने इसको कवर किया है, और आप इसकी प्रैक्टिस से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रभात प्रकाशन ने 3 तो गाइडें निकाली हैं, 3 प्रैक्टिस पेपर हैं, साथ साथ 5 सप्लीमेंट जो उसकी सपोर्टेड बुक हैं वो भी हमने निकाली हैं। तो टोटल 11 किताबें आपको बीटेट के लिए मिल सकती हैं और सीटेट के लिए भी सफल हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। धन्यवाद।